नमस्कार, बघेल ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे संसदीय व्यवस्था पर, सीखेंगे संसदीय संयुक्त समिति क्या होती है, इसके गठन का उद्देश्य क्या है और इसके गठन की प्रक्रिया क्या है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग शीर्षक को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हिंडनबर्ग बनाम अदानी मामले को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करने की मांग हो रही है। विपक्ष का मांग है कि अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा, जो अदानी के ऊपर आरोप लगाया गया है इस प्रतिवेदन में कि इन्होंने स्टॉक की हेरा फेरी की है और इनका लेखांकन भी सही नहीं है, अकाउंटिंग में भी कुछ गड़बड़ी है, यह आरोप लगाया गया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। तो इसी को लेकर, चूंकि अभी ये जो अदानी है उसके जो कुछ ऋण है वो सरकारी बैंकों से लिए गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए हैं और LIC का कुछ पैसा अडानी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, तो LIC हो गया, स्टेट बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर देश के द्वारा या देश के नागरिकों द्वारा जो टैक्स दिया गया है, जो कर दिया गया है, उन्हीं पैसों से यह बैंक संचालित हैं और अगर इन पैसों का दुरुपयोग किसी कंपनी के लिए होता है या वह कंपनी गलत तरीके से हमारे दिए गए पैसों का कर के रूप में दुरुपयोग करती है तो यह एक चिंता का विषय है, ऐसा आरोप लगाया गया है। अभी तो विपक्ष मांग कर रहा है कि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति के जरिए करनी चाहिए और इस मांग को लेकर संसद दो दिन चल भी नहीं पाया, कुछ ही देर में लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को संसद को खारिज करना पड़ा, उस दिन के लिए स्थगित करना पड़ा और अखबारों में आप देख रहे होंगे प्रतिदिन कुछ न कुछ लेकर इस विषय को छप रहा है। तो आज इस विषय से संबंधित हम लोग संसदीय संयुक्त समिति के बारे में सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे संसदीय संयुक्त समिति क्या है, फिर इसके गठन की प्रक्रिया को सीखेंगे, इसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे और इसके कौन कौन से उदाहरण है, आज तक कौन कौन से संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है और अंत में कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं संसदीय संयुक्त समिति के बारे में जानते क्या है, उससे पहले थोड़ा सा अवधारणा को स्पष्ट कर लेते हैं। साथियों, संसद में देश हित समाज हित से जुड़े मुद्दों पर वाद विवाद तर्क वितर्क बहस किया जाता है, लेकिन संसद का कामकाज बहुत ज़्यादा होता है और उसके पास समय सीमित होता है। अगर यह मान लिया जाए कि वर्ष में जब संसद का सत्र होता है, बजटकालीन सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया और अगर इन्हीं सत्रों पर ही केवल संसद कार्य करे और उसके सभी कामकाज निपट जाए तो यह असंभव है। तो अभी संसद के कुछ कामों को कुछ समितियां करती हैं जो पूरे वर्ष भर कार्य करती हैं, इन समितियों को मिनी संसद भी कहा जाता है और इन समितियों में सभी दलों के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो विधायिका है, इस विधायिका से ही समिति का गठन हो रहा है, तो इस तरीके से यह समिति कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो संसद के कामकाज को बांटने के लिए हमारे देश में दो प्रकार के समितियों का गठन किया जाता है, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी जिन्हें स्थायी समिति कहा जाता है और दूसरा होता है एडहॉक कमेटी जिन्हें तदर्थ समिति कहा जाता है, तदर्थ समिति कहा जाता है। ये समितियां पूरे इस ये जो समितियां हैं यह पूरे वर्ष भर कार्य करती हैं, हर वर्ष इनका गठन किया जाता है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है और अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो प्राकलन समिति है, अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो सरकारी उपक्रम की समिति है और विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी समितियां हैं। अभी अगर तदर्थ समिति की बात करें तो यह अस्थायी प्रकृति की होती हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है और यह दो प्रकार की होती हैं या दो महत्वपूर्ण हैं इसमें, एक तो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और दूसरा है सेलेक्ट कमेटी और
इस सेलेक्ट कमेटी को प्रवर समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो जो संयुक्त संसदीय समिति है या प्रवर समिति है वह तदर्थ प्रकार की समिति होती है और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का विशिष्ट उद्देश्य होगा इसके गठन का। आइए देखते हैं क्या उद्देश्य होता है। संसद के समक्ष पेश किए गए किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए। साथियों, कोई विधेयक इतना पेचीदा होता है कि मामला सुलझने की बजाय उलझ जाता है और सिर्फ संसद के सत्र में ही किसी विधेयक पर गंभीरता और गहनता से विचार करके प्रतिवेदन देना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी समितियां गठित की जाती हैं जो विभिन्न हितधारकों से बात कर सके, उनके इनपुट ले सके, फिर उस विधेयक को मजबूत बनाया जाए ताकि वो प्रभावी तरीके से कार्य कर सके। तो किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। अभी जो सरकारी गतिविधि होती है, अगर किसी सरकारी एक्टिविटी में अगर फाइनेंशियल गड़बड़ी है, अगर वित्तीय गड़बड़ी हुई है, तो उसकी भी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। और हम लोगों ने सीखा कि संसदीय संयुक्त समिति एक प्रकार की तदर्थ समिति है, यानी इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। तो इन दोनों बातों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए और सरकार द्वारा, कार्यपालिका द्वारा किसी मामले में वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। इस जेपीसी का मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। कार्य पूर्ण होने के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति है अस्थायी है। यह एक प्रकार की तदर्थ समिति है, एड हॉक कमेटी है और इसको मिनी संसद कहा जाता है। मिनी संसद इसीलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि इसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं, जिस प्रकार से संसद में होते हैं। संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के सदस्य किसी मुद्दों पर, किसी विधेयक पर गहन और गंभीरता चर्चा करते हैं, उसी तरीके से इन समितियों में भी सभी दलों के अनुपातिक आधार पर सदस्य होते हैं, इसीलिए इसको मिनी संसद कहा जाता है। और इन समितियों का प्रभाव कार्यपालिका पर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट तैयार करने में सरकार को भी बुला सकते हैं। आइए देखते हैं इनके गठन की प्रक्रिया क्या है। जेपीसी का गठन करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरे सदन द्वारा उसका समर्थन किया जाता है। अभी संयुक्त संसदीय समिति है यानी कि दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर बनना है, तो यानी दोनों सदनों में इसके गठन को लेकर प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। पहले अगर लोकसभा में पारित हो जाता है सामान्य बहुमत से तो उसको राज्यसभा से भी करना पड़ेगा, तभी तो उसका गठन होगा। और अगर पहले इंट्रोड्यूस राज्यसभा में होता है तो फिर उसको लोकसभा से भी पारित होना पड़ेगा। तो किसी भी सदन से शुरुआत हो सकती है लेकिन शर्त यह है कि दोनों सदनों से होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, यह कोई कठिन विषय तो है नहीं, नाम ही इसका संयुक्त है। सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, कितने भी सदस्य हो सकते हैं इसमें, लेकिन आमतौर पर राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के दुगने सदस्य होते हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य 15 हैं तो लोकसभा के 30 होंगे, तो इस तरीके से 45 हो जाएंगे। अगर राज्यसभा के सदस्य 10 हैं तो लोकसभा के 20 होंगे, इस तरीके से जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में, कमेटी में 30 सदस्य हो जाएंगे। समिति में अलग अलग दलों से चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके अनुपात के आधार पर चुना जाता है, इसीलिए विपक्षी दल इसकी मांग कर रहे हैं। ध्यान रखिए साथियों, क्योंकि इसमें सभी दल के सदस्य होंगे और सभी दलों को अनुपातिक आधार पर इन समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है और यह जो समिति होती है इनकी शक्तियां बहुत अधिक होती हैं। आइए देखते हैं शक्तियों के बारे में। किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का इनको हक होता है, किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, संस्था या उस पक्ष को बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है। सरकारी अधिकारियों को भी बुला सकती है जो उस
विषय से जुड़े हुए हैं जिस विषय पर इसका गठन किया गया है। मौखिक या लिखित रूप में साक्ष्य इकट्ठा करने या मामले के संबंध में दस्तावेजों की मांग करने को लिए अधिकृत है। दस्तावेजों की भी मांग कर सकता है, किसी का मौखिक जवाब ले सकता है या किसी से लिखित रूप में भी ले सकता है, साक्ष्य इकट्ठा कर सकता है। सबूत के लिए बुलाने पर अगर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम माना जाता है। अब मानिए संयुक्त संसदीय समिति ने मेरे को बुलाया कि आओ भाई आपसे पूछताछ करनी है, मैं नहीं जाऊंगा बोलूंगा। अब मैं नहीं गया तो यह तो संसद की अवमानना हो गई, क्योंकि इसको तो शक्ति दी गई है कि आपको आप जिससे भी पूछताछ कर सकते हैं करिए, लेकिन मैं तो नहीं माना, मैं तो नहीं गया। तो फिर अगर ऐसा कोई विवाद होता है कि बुलाने पर भी नहीं आता है, अगर संसदीय समिति किसी को तलब करती है कि आइए और आप विशिष्ट विषय से जुड़ी जानकारियां दीजिए, और अगर वह व्यक्ति नहीं आता है तो ऐसे मामले में जो अंतिम निर्णय होगा वह लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। खास मामले की जाँच करने और प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों के अध्यक्ष या सभापति द्वारा समय समय पर संसदीय संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। आइए इसकी शक्तियों को देख लेने के बाद इस संसदीय संयुक्त समिति गठन के कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो संयुक्त संसदीय समिति है जेपीसी का गठन, वो फोर्स मामले में किया गया था और यह एक प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी थी, उसी की जांच के लिए किया गया था। तो ध्यान रखिए सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन वर्ष 1987 में किया गया था। बैंकिंग लेन देन में जो अनियमित कार्य होते हैं उसके लिए 1992 में, इसी को आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखा होगा स्कैम 1992, हर्षद मेहता वाला, ये वही केस है। उस केस की जांच के लिए भी संसदीय संयुक्त समिति का गठन किया गया था। वीवीआईपी चौपर घोटाला 2013 में किया गया था, एनआरसी के लिए 2016 में किया गया था, और जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है बीएन श्री कृष्णा समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक बनाया गया था, उसके भी जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह कोई एक विधेयक है, विधेयक के लिए भी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जा रहा है, और ये देख रहे हैं ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, तो वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े हुए हैं, वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अभी आपने सीख लिया कि जो संयुक्त संसदीय समिति है तो उनका गठन वित्तीय गड़बड़ी के लिए या किसी विशेष विधेयक के लिए या किसी देश हित से जुड़े विशेष मुद्दे के लिए गठन किया जाता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। आइए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के लिए विचार कीजिए, यह तदर्थ समिति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो जी हाँ, इसकी प्रकृति अस्थायी होता है, जब तक इसको कार्य दिया जाता अपना रिपोर्ट तैयार करती है, संसद के समक्ष रख देती है, फिर इसका कार्यकाल खत्म। अनुपातिक आधार पर राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है? तो जी हाँ, इसीलिए तो जो विपक्षी राजनीतिक दल होते हैं इसकी मांग करते हैं, क्योंकि जब भी जांच होती है, जब भी पूछताछ होता है, अभी जब भी अगर इस मामले में हिंडनबर्ग वाले मामले में, अडानी वाले मामले में अगर गठन होता है जेपीसी का, तो उसमें तो कांग्रेस के भी मेंबर रहेंगे और भी जो विपक्षी दल है उसके भी मेंबर होंगे, और जब पूछताछ होगी तो वो भी उपस्थित होंगे। तो छुपाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसके पास बहुत शक्ति होती है, सरकार को भी बुला सकती है, बैंक वालों को भी बुला सकती है, अभी जो हिंडनबर्ग के अधिकारी हैं उनसे भी बात कर सकती है, अडानी से भी बात कर सकती है। तो साथियों, तो इसीलिए इसकी मांग की जाती है क्योंकि यहां पर अनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। प्रथम जेपीसी वर्ष 1987 में बोफोर्स मामले में की गई थी, तो यह भी सही है। इसका गठन प्रत्येक वर्ष विधेयकों पर विचार करने के लिए किया जाता है, तो गलत है, प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता, किसी विशिष्ट विधेयक पर किया जाता है, ऐसे विधेयक पर जिस पर सदन एक मत नहीं होता, संसद के सदस्यों में भारी विवाद होता है, विधेयक बहुत पेचीदा होता
होता है, सुलझने के बजाय उलझ जाता है, तो ऐसे विधेयकों के लिए फिर गठन किया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, तो यह भी कथन सही है। सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से 30 होती है, तो नहीं, सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, परंतु लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में दुगुने होते हैं। तो इस तरीके से कथन 1, 2, 3, 5 सही है। कथन देखें तो 1, 2, 3, 5 कहीं आपको दिख रहा है क्या? हाँ, तो मुझे दिख गया, विकल्प चौथा है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।